आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में ही था। जैसे मेरे वीडियोस में चलते हैं कि मैंने 16 एग्ज़ाम्स क्लियर किया हुआ है, दो बार व्यापार में टॉप किया हुआ है। तो 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था अकाउंटेंट का, उसमें मैंने सेकंड रैंक स्कोर किया था और वहां से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी नगर पंचायत उतई में एज अकाउंटेंट। मेरे कहने का मतलब ये कि कई जगह होता है स्टूडेंट दबा के रख लेते हैं कि नहीं भी समझ आए तो हाँ सर आगे बोल के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखो, ऐसा इसलिए होता है जैसे कहीं पर ना बहुत सारे जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे हम भी कहीं पढ़ते थे तो टीचर स्ट्रिक्ट रहता था तो पूछने में थोड़ा शर्म आता था कि क्लास में पूछ दिए बेइज्जती करेंगे तो शर्म आएगा ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन रहता है जिसके वजह से वो एकदम आसानी से पूछ पाते हैं। अगर जो बच्चे फीस दे के नहीं पढ़ पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते किसी के लिए, हमारे देखिए ऑनलाइन क्लास की फीस 2000 से लेकर 4000 तक है, इस बीच में सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, सारे तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि वो भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा गया है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। यहाँ की क्लासेस जो होती है समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है और क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाती हैं। कैसे लगता है, दो सर पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से, और दोनों के पढ़ाने का तरीका क्या है? सर इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पढ़ाए और छोड़ दिए, मीन्स बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी कोई जवाबदेही तो नहीं होती। बट ये तो चीज़ तो गलत हो जाती है, हम बच्चे से फीस ले रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी ना लें तो गलत हो जाएगा। फीस ने सिर्फ पढ़ा दी और बच्चा क्या पढ़ रहा है, याद कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनके माँ बाप का भी सपना एक प्रकार से ज़ाया हो रहा है, उनके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। अब कई लोग का ये मन में रहता है कि सर कि आज तक पहली से लेकर 12वीं तक अच्छे से पढ़े नहीं है तो यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम कैसे लगाएं। तो हम उनको पढ़ने का जो तरीका है वो अलग बताते हैं। सर आपके यहाँ बता दीजिए कि किस किस चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। और एक सवाल रहेगा जो मैं हर इंस्टीट्यूट से पूछता हूँ कि वाई योगेंद्र साहू क्लासेस ही वाई, यहाँ के लोग आपको ही क्यों चुने, और भी कई सारे क्लासेस हैं। अच्छा, वाई योगेंद्र साहू क्लासेस, इसका जवाब किंग ना होकर किंग मेकर बना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर मैं अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आसपास अपने लोगों का 100 से ज़्यादा लोगों का कम से कम तो जॉब लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं संजय भिलाई, टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। हमारे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दुर्ग भिलाई के सारे कोचिंग सेंटर्स हो गए या इंस्टीट्यूट हो गए उसके बारे में तो उनको खबर मिल जाती है, लेकिन जो व्यूअर्स बाहर के रहने वाले हैं, भिलाई 3, चरोदा, रायपुर, उनके लिए क्या? रायपुर का हमने एक IAS थिंक IAS के बारे में बताया था जिसको रायपुर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट हुआ था। अभी हम भिलाई 3 में योगेंद्र साहू क्लासेस मौजूद हैं, ये भी CGPSC, CGVAPAM सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, SSC की भी तैयारी कराते हैं, तो यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों को ये बताने आए हैं कि इस क्लास में क्या कुछ खास है, बच्चों के लिए क्या कुछ खास मिलता है और यहाँ की तैयारियाँ कैसे होती है ताकि यहाँ आसपास रहने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके और दूर कहीं पढ़ाई करने के लिए ना जाना पड़े। तो आइए, हम योगेंद्र साहू क्लासेस में मौजूद है, योगेंद्र साहू क्लासेस में मौजूद है। सर हमारे सर मैं कमिंग सर, आज आ गए हैं आपके कोचिंग में। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं सर CGPSC को लेके, CGVAPAM को लेके, तो स्टूडेंट्स का वो डाउट क्लियर करने के लिए आज हम लोग आए हैं। सर सबसे पहले तो योगेंद्र साहू अपने बारे में बता दीजिए और टीचिंग फील्ड ही क्यों? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स चैनल में और धन्यवाद ये मौका दिया कि जैसा आपका सवाल है काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है तो आपके चैनल के माध्यम से वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बोल रहे हैं योगेंद्र साहू क्लासेस टीचिंग ही क्यों, जॉब क्यों नहीं या दूसरा कोई प्रोफेशन क्यों नहीं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में ही था। जैसे मेरे वीडियोस में चलते हैं कि मैंने 16 एग्ज़ाम्स क्लियर किया हुआ है, दो बार व्यापार में टॉप किया हुआ है। तो 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था अकाउंटेंट का, उसमें मैंने सेकंड रैंक स्कोर किया था और वहां से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी नगर पंचायत उतई में एज अकाउंटेंट। बट दिसंबर 2021 में मैंने रिज़ाइन दे दिया जॉब से और टीचिंग फील्ड के लिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगा कि किंग ना होकर किंग मेकर बना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर मैं अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आसपास अपने लोगों का 100 से ज़्यादा लोगों का कम से कम तो जॉब लगाया जा सकता है। वैसे भी 16 एग्जाम्स आप बता रहे क्लियर किए तो एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा होगा एग्जाम। जी बिल्कुल, और होता क्या है जैसे आमतौर पर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको खुद को एक अनुभव होना चाहिए, जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करा रहा है शिक्षक, तो उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या तैयारी करके जाना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम्स में अपियर होना है, कैसे क्लियर करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद एक बार एग्ज़ाम अपियर करें, खुद अटैम्प्ट दिलाएं। और अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा है मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि आप दूसरे को भी एग्ज़ाम निकलवा सकते हैं। तो मैं अभी भी एग्ज़ाम दिलाता हूं और कई बच्चे को लगता है कि सर आप अभी एग्ज़ाम दिलाते हो फिर ज्वाइन क्यों नहीं करते, तो मैं एग्ज़ाम ज्वाइनिंग के लिए नहीं, मैं एग्ज़ाम इसलिए दिलाता हूँ ताकि मैं उसके पैटर्न को समझ सकूँ। हर साल हर रोज़ पैटर्न चेंज होते रहता है, कभी PSC का कभी व्यापम का, तो वो पैटर्न समझना काफ़ी ज़रूरी है।
ये पहली बार सुनने के लिए मिला है कि जो टीचर बन चुके हैं लोगों के भविष्य गढ़ने में मदद कर रहे हैं वो खुद आज भी एग्जाम दिलाते हैं। जी बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है, जैसे मैंने रेलवे के एग्ज़ाम निकाले हैं, एसएससी के एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है, व्यापम के एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है, और पीएससी में पीएससी क्लियर नहीं किया लेकिन एक रिटर्न एग्ज़ाम था उसमें फिफ्थ रैंक था, तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ मतलब बच्चों को भी वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। जी सर, आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर चलते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट्स जुड़ते हैं आपसे? देखिए सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है हमारा योगेंसा ऑनलाइन क्लासेस नाम से, यूट्यूब में चैनल है, अभी 60,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पर योगेंसा क्लासेस नाम से, तो 60,000 का परिवार तो अभी बन चुका है योगेंसा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में, और एप्लीकेशन में 23,000 रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। तो ऑफलाइन स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल 150 के आसपास है, और उसमें एट ए टाइम किसी बैच में बच्चे 50 से 60 के बीच मौजूद रहते हैं। ऑनलाइन ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन का एक सीमा भी बन जाते हैं कि आसपास के स्टूडेंट ही आएंगे, और बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि अच्छा यहाँ पे कोचिंग सेंटर चला जाते हैं, तो 150 के आसपास ऑफलाइन स्ट्रेंथ है, और ऑनलाइन तो एट अ टाइम 22,000 लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में। सर आपके यहाँ बता दीजिए कि किस किस चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, और एक सवाल रहेगा जो मैं हर इंस्टीट्यूट से पूछता हूँ कि वाई योगेन साहू क्लासेस ही वाई, यहाँ के लोग आपको ही क्यों चुने, और भी कई सारे क्लासेस हैं? अच्छा, वाई योगेन साहू क्लासेस, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली बात, कई बच्चों का ये भ्रम रहता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना ज़रूरी है, क्या सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो सकता, तो ये भ्रम हटा दीजिए कि सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी भी करके कोचिंग किए बिना आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत ज़्यादा हो जाता है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम पैटर्न देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी कहीं ना कहीं सूझबूझ विकसित होगी कि एग्ज़ाम कैसे दिलाना है। वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद की कमियों को अच्छे से परख सके। कोचिंग इंसान इसलिए आता था कि हमारी कमियों को बताकर उसमें सुधार किया जा सके। तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए जरूरी हो जाते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि हम अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि कोचिंग आना जरूरी है, आप खुद से भी कर सकते हो बट मेहनत ज़्यादा लगता है। कोचिंग वाले अगर थोड़ा सा अनुभव रखते हैं तो अपना अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है, जो आपको 1 साल लगना है वो 6 महीने लगेगा, जो 5 साल लगना है वो 2 साल लगेगा, ठीक है। और योगेंद्र साहू क्लासेस ही क्यों अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो उसका सीधा सिंपल ये जवाब है कि मैंने खुद एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, मैं खुद एग्ज़ाम में अपीयर करता हूँ, और इसी वजह से लगता है कि ये जो एग्ज़ाम में निकाला हूँ उसमें कम से कम बच्चों को अच्छे से तैयारी कराई जा सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्ज़ाम में आप भी बैठे हों और आपके स्टूडेंट भी बैठे हों और स्टूडेंट का आपसे ज़्यादा रैंक आ गया हो या आगे बढ़ गया हो? नहीं, फिलहाल एक्चुअली ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन मैं चाहूँगा जिस दिन मेरा बच्चा मेरे से आगे निकलेगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी, और अभी फिलहाल ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी 1.5 साल ही हुए हैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चालू हुए, और ऑनलाइन चालू हुए अभी 1.5 साल हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी ऐसा कोई मौका आया नहीं है कि जिसमें मेरे बच्चे जैसे आगे निकले, बट मैं यकीनन चाहूँगा कि मेरे बच्चे मेरे से आगे निकले। वैसे सर अभी छत्तीसगढ़ में नौकरी का दौर बहुत चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, अभी सीजी व्यापम भी लगातार एग्जाम्स ले रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से तैयारियाँ करवाई जा रही है स्टूडेंट्स को? ऑफलाइन सेक्टर में देखिए बदलते दौर के साथ हम तैयारी करवाते हैं, जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में तो उस हिसाब से तैयारी कराई जाती है, और अभी हाल फिलहाल ये परीक्षा तिहार का सीज़न चल रहा है, समझ लीजिए है ना, परीक्षा तिहार, तो अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के, ईडीओ के, और भी बहुत सारे सीजी वापस एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, सीयूपीएससी कराता है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करा जा रहे हैं। सर अपना कोचिंग सेंटर घुमा दीजिए ताकि लोगों को हम दिखा सकें, शायद कैमरे में देख सकते हैं क्लासेस भी चल रही है, तो एक बार चाहेंगे कि हम बच्चों से भी मुलाकात करें क्योंकि ओरिजिनल रिव्यू बच्चे ही देंगे कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है। तो ऐसे सर आपने बताया कि इतने एग्जाम्स आप क्लियर कर चुके हैं और सरकारी नौकरी छोड़ के आप आए हैं, सरकारी नौकरी तो तरसते हैं, इतना मारा पीटी हो रहा है, आप उसको छोड़ के आ गए? जी अभी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये मान्यता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है मतलब राजा नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो अब मैं बोला कि चलो एक ही राजा क्यों रहे, बहुत सारा राजा बनाया जाए, किंग छोड़ के किंग मेकर की भूमिका में आने का प्रयास है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो वहीं रह जाते, और ये सब लोग जो बच्चे हैं वो कहीं और शायद। जी हां, वहाँ 8 घंटे का बंधन था, मतलब अगर मैं किसी जॉब में कर रहा हूँ तो नो डाउट मुझे 8 घंटे देने होंगे, वहाँ एक अलग जिम्मेदारी होगी, ठीक है, तो उस जिम्मेदारी से हटना पड़ा मुझे, अगर मैं 8 घंटे देता तो फिर बच्चों को कैसे दिया जा सकता समय, क्लासेस हैं और क्लासेस में ये से इससे आपका ऑनलाइन मोड पूरा चलता है। ये तब्बू मैडम है और ये हमारा ऑनलाइन जितना भी एडिटिंग का काम है वो देखती हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट, कैमरे के पीछे इनका काम रहता है। कैमरे के सामने दिखने वाले हीरो ये हैं लेकिन कैमरे के पीछे की जो असली मेहनत होती है, जैसा कि हमारा भी कई पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, क्या कुछ काम आप लोगों को रहता है, जैसे अभी भी ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस शायद? हाँ, जो भी मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डलती हैं या कोर्स में जो रिकॉर्ड होता है मैं देखती हूँ, एडिटिंग करना, ठीक है, थंबनेल बनाना, जो यूट्यूब पे वीडियोस डलती है, वॉइस क्लियर है कि नहीं, ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी
ध्यान रखो। तो क्लासेस चल रही हैं, सर लोग पढ़ा रहे हैं, ये ऑनलाइन मोड पे अभी भी काम चल रहा है, लैपटॉप में मैम लगी हुई है, और क्लासेस जैसे ऑनलाइन जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन तक कैसे अच्छी चीज़ें पहुंचाई जाए, कैसे उन तक अच्छी क्वालिटी में वॉइस हो, अच्छी चीज़ें हो, सारी चीज़ों का ध्यान इस क्लास में रखा जाता है। अब हमारे पास स्टूडेंट कहाँ कहाँ से होंगे सर? देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिले से लगभग स्टूडेंट आए हुए हैं, कुछ स्टेट के बाहर से भी आते हैं यहाँ पढ़ने, और यहाँ स्थानीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स भी है, क्लासेस भी चल रही है। भैया आपका नाम? विकास महंत। आप कहाँ से? सागर एमपी। एमपी से? एमपी से आप यहाँ पढ़ाई करने हैं? जी। ऐसा क्या खास लगा आपको इस कोचिंग सेंटर में कि इसी को चुना? सर बिलासपुर जाते तो भी समझ आता क्योंकि बिलासपुर एक बना हुआ है कि सीजीपीएससी सीजीव्यापम क्लियर करना है तो वहीं जाना पड़ेगा। क्या है सर का पढ़ाने का तरीका और स्किल्स अच्छी है और डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा है कि वो क्लास जब तक नहीं छोड़ते जब तक किसी बच्चे को याद ना हो जाए। आप पहली बार सर से अटैच कब हुए थे, कब उनकी क्लासेस को अटेंड किए? मैंने यूट्यूब पर देखा था इनका क्लास करीब एक मंथ पहले, तो यूट्यूब पर देखते देखते फिर मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद सर से मिला, आज क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अभी कैसा लग रहा है जब आप ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो कितना आपको बेनिफिशियरी लग रहा है इस क्लास को? क्या है कि ऑनलाइन में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और ऑफलाइन में सर से सामने सर की डांट पड़ती है तो समझ आती है। हाँ बिल्कुल, और मज़ा भी आता है पढ़ने में, तो वो चीज़। एमपी से भी आए, मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं, योगेंद्र साहू क्लास एमपी में भी फेमस हो चुका है, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, सर से भी बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम अपूर्वा उपाध्याय है, मैं बलरामपुर जिला से आई हूँ। बलरामपुर जिला, यहाँ की क्लासेस जो होती है समझ आता है? बहुत अच्छे से समझ आता है, और क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। कैसे लगता है, दो सर पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से, और दोनों के पढ़ाने का तरीका क्या है? दोनों के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ट्रिक वाइज पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं उसका अच्छा एक ट्रिक बताते हैं जिससे ईजिली याद हो जाता है। हमारे साथ सर भी हैं। सर अभी आपकी क्लास चल रही है, सॉरी तो आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स को यहाँ कैसे मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं अभी मेरे ख्याल से हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी, सीजीव्यापम का एग्ज़ाम था, एक पोस्ट के लिए 4,000 आवेदन आए हुए थे। इसके लिए हम मोटिवेट करने के लिए क्या है, उनको सबसे पहले उनका बेस क्लियर करते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, जो उनके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती है ना उनको दूर करते हैं। अब कई लोग का ये मन में रहता है कि सर कि आज तक पहली से लेकर 12वीं तक अच्छे से पढ़े नहीं है तो यहाँ पर सरकारी एग्ज़ाम कैसे लगाएं, तो हम उनको पढ़ने का जो तरीका है वो अलग बताते हैं जिससे वो मोटिवेट होते हैं और एग्ज़ाम के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। एक स्कूल का एक ड्रॉबैक जब मेरे को समझ आता है सर कि हम जब स्कूल में थे तो हमको सिर्फ ये बताया जाता था कि अगर आपको सबसे अच्छी जॉब लगनी है तो वो है इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, लेकिन सीजीपीएससी भी कुछ होता है, कलेक्टर भी आप कैसे बन सकते हो, डिप्टी कलेक्टर कैसे बन सकते हो, ये नहीं बताया जाता था। तो ये यहाँ पर बहुत सारे जैसे स्टूडेंट भी आते हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी सुन के ही आ जाते हैं, तो उनका उनको बहुत सारा नॉलेज नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं जिससे वो अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं कि हमको किस में जाना है। स्टूडेंट का फीडबैक कैसा रहता है सर, क्योंकि जब मैं क्लास में एंटर हुआ था, जब इंटरव्यू सेशन चालू नहीं हुआ था, तो आप पूछ रहे थे याद हुआ तो शायद किसी एक स्टूडेंट ने सीधा बोल दिया था नहीं मेरे को समझ नहीं आया, मतलब ओरिजिनल फीडबैक देते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस? नहीं अब देखो फीडबैक कभी कभी अच्छा भी आता है, कभी कभी बुरा भी आता है, मोस्टली तो हमारे क्लास का अच्छा ही रहता है। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि कई जगह होता है स्टूडेंट दबा के रख लेते हैं कि नहीं भी समझ आया तो हाँ सर आ गया बोल के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखो ऐसा इसलिए होता है जैसे कहीं पर ना बहुत सारे जो हमारे टीचर्स रहते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे हम भी कहीं पढ़ते थे तो टीचर स्ट्रिक्ट रहता था तो पूछने में थोड़ा शर्म आता था कि क्लास में पूछ दिए बेइज्जती करेंगे तो शर्म आएगा ऐसा करके, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट के साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन रहता है जिसके वजह से वो एकदम आसानी से पूछ पाते हैं ऐसा है। तो ये फैकल्टी हैं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं, ये भी राजा बनाने की टीम में शामिल है। सर आपसे एक और अहम क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं, जैसे कि मैं बात किया तो बिलासपुर का जिक्र आया, एक मिथ बना हुआ है कि अगर आपको सरकारी नौकरी जाना है, सीजीपीएससी जाना है तो बिलासपुर जाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए एक भेड़ चाल है कि अगर कोचिंग अच्छे से हो पाएगी तो सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर में हो पाएगी, ये एक मिथ जरूर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नो डाउट, मतलब बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोचिंग्स हैं, बट यहीं के बच्चे आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे भी, उनको एक लगता है कि सब बिलासपुर जाके कर रहे हैं मतलब हमें भी बिलासपुर जाके ही करना होगा, तो यही भ्रम तोड़ने का प्रयास है कि आपको अच्छी कोचिंग, अच्छे गाइडेंस कहीं पर भी मिल सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी दे गाइडेंस मिलना चाहिए।
सर, भिलाई टाइम्स की टीम लगातार उन चीज़ों को प्रमोट करने में लगती है कि आसपास के लोगों को फायदा हो सके, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि भिलाई तीन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तैयारी कर सके। मगर यहाँ आने में पता चला आपके पास एमपी से और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से भी लोग आए हुए हैं जी। तो और लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बोलूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपका भी एक जॉब है, ड्रीम है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगाएं, तो स्वागत है हमारे चैनल में। अगर जो बच्चे फीस दे के नहीं पढ़ पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, किसी के लिए हमारे देखिए ऑनलाइन क्लास की फीस 2000 से लेकर 4000 तक है। इस बीच में सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, सारी तैयारी हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि वो भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखा गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। 60,000 सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूज़ आते हैं, उसके बावजूद मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे जो पढ़ने आ रहा है उसका समय व्यर्थ हो। कई बच्चे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और फिर उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे हो गया 1-3 मिनट, तो स्टूडेंट जो लाइफ है जरा से डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में टाइम का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका टाइम वेस्ट हो। तो फ्री मोड में भी पढ़ने के लिए वहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन क्लास में। जो एक्स्ट्रा गाइडेंस लेना चाहते हैं, एकदम प्रॉपर कंटेंट है पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। कोई चाहता है कि ऑफलाइन पढ़ाई करें, तो यहाँ पे भी आकर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। और हम कोशिश करते हैं, अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो खुद देखते हैं कि आसपास उनके लिए रहने की व्यवस्था कहाँ हो सकती है, अच्छे खाने की व्यवस्था क्या हो सकती है। अभी शुरुआत में कम बच्चे हैं तो मैं मैनेज कर पाता हूँ, या एक पर्टिकुलर हमारी एक टीम बैठी हुई है जो उनको घर दिखाए, खाना व्यवस्था कराए, सारी चीज़ें कराए। कम से कम जो बाहर आ रहे हैं तो उनको ये सब तकलीफें झेलनी ना पड़े, सिर्फ उनका फोकस पढ़ाई पर है। मतलब योगेंद्र साहू क्लासेस में कंप्लीट पैकेज मिल जाता है स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ पूछना चाहता सर, जब योगेंद्र साहू क्लासेस के बारे में पता चला, हम लोग आए यहाँ पे, तो ये उम्मीद कम थी कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट से जैसे फीडबैक मिल रहा है, हर एक एज ग्रुप के शादीशुदा भी दिख रहे हैं मेरे को, और जैसे आते साथ मैंने देखा पढ़ाइयाँ चल रही थी, लोग मेरे तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, लोग अटेंशन यही था पढ़ाई में। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अजी, यहाँ पे जैसे आप सर से भी सवाल कर रहे थे कि कैसा रहता है फीडबैक, तो हमारा प्रयास ये रहता है, देखिए बच्चे ज़्यादा होने की स्थिति में, ऐसा हम खुद देखे हैं, तब पॉसिबल हो भी नहीं पाता, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पढ़ाए और छोड़ दिए, मीन्स बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी कोई जवाबदेही तो नहीं होती। बट ये तो चीज़ तो गलत हो जाती है, हम बच्चे से फीस ले रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी ना लें तो गलत हो जाएगा। फीस लें, सिर्फ पढ़ा दी और बच्चा क्या पढ़ रहा है, याद कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनके माँ बाप का भी सपना एक प्रकार से ज़ाया हो रहा है, उनके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो यहाँ पूरा प्रयास किया जाता है कि बच्चे को पहले पढ़ाया जाए, अगर कोई डाउट है तो उनसे पूछा जाए, और क्लास में ही कोशिश किया जाता है कि याद करा दें। और जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चे घबराते नहीं हैं क्या, तो बच्चे अब ऐसी स्थिति की, यहाँ हम लोग उन्हीं के एज के हैं, लगभग 27 साल, अभी मेरी खुद एज 27 साल है, तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, बच्चे मेरे से कम उम्र के भी मिले। 27 साल में 16 एग्जाम क्लियर कर लिए, आगे घर पे आ रहे हैं। हाँ, अभी भी और ये 16 का हाफ सेंचुरी कम से कम ले जाने का प्रयास है। तो चूंकि एज सिमिलर होने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करता है कुछ चीज़ पूछने में, और उसकी कोई भी परेशानी रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र साहू सर। सर, एक आखिरी सवाल जो सबका डिमांड रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा हाई या फिर नॉमिनल कैसे? फीस देखिए नॉमिनल है, और वो नॉमिनल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई लगे, और कुछ लोगों को काफ़ी कम लगे। अब चूंकि इतने बड़े स्तर पर अगर हम कोई संस्था रन कर रहे हैं तो उसमें बेसिक एक्सपेंसेस होते ही हैं। अगर ये घर है तो इसका किराया हो गया, बिजली बिल हो गया, सारे एक्सपेंसेस हो गए, अकोमोडेशन के, टीचर्स के, स्टाफ के, सैलरी हो गए, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर काफ़ी लोग काम करते, वीडियो एडिटिंग का हो गया, व्हाट्सएप हैंडलर हो गए, इंस्टा हैंडलर हो गए, इतने सारे, तो बच्चों को वो नहीं दिखाई देता, बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं फीस दे रहे हैं। नहीं, तो योगेंद्र साहू इतना पैसा नहीं कमा रहा है। अगर पैसा कमाना ही होता तो मैं गवर्नमेंट जॉब करता, और नो डाउट यहाँ जीवन चलाने के लिए, मेरे भी अपने परिवार है, जीवन चलाने के लिए जो बेसिक चीज़ें रहती है उसी के लिए ही फीस है। लेकिन वो फीस का 90% हिस्सा खर्च हो जाता है स्टाफ की सैलरी में, स्टूडेंट्स की भलाई में, सारी चीज़ों के लिए। ये एड्रेस क्या है सर योगेंद्र साहू क्लासेस, किसी को आना रहेगा कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते? देखिए, मेरा नंबर तो ऐसे पब्लिक मैंने किया हुआ है, आमतौर पे लोग पब्लिक नहीं करते, बट 8770123687 ये नंबर पब्लिक है, और इस पर नंबर पर कॉल करके कोई भी गाइडेंस आप ले सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर भिलाई 3 में है, भिलाई 3 सिरसा गेट के पास। गूगल मैप पे भी अगर सर्च करेंगे योगेंद्र साहू क्लासेस तो आपको वहाँ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। मैं भी गूगल मैप पे सर्च करके ही आया हूँ। जी बिल्कुल। सर, आपके स्टाफ में कितने लोग हैं और उनकी व्यवस्था कैसी है? चलिए आइए दिखाते हैं स्टाफ कितने हैं। स्टाफ देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे तो अभी 7 लोग हैं जो ये पूरा ऑफलाइन और ऑनलाइन मैनेज करते हैं, मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, ये हमारी स्टाफ दीपमाला मैम बैठी हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। आमतौर पे मैं बोलता हूँ जैसे अगर ये 60,000 का परिवार बन गया है तो सिर्फ इसमें मेरा योगदान नहीं है, तमाम उन बच्चों का जो मेरा वीडियो शेयर करते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, उन स्टाफ का जो बिहाइंड द सीन रहकर काम करते हैं, तो उनमें से एक है हमारी दीपमाला मैम। मैम, सर ने जैसे आपका जिक्र किया,
आपका क्या रोल रहता है इस क्लासेस में, आप क्या काम करती हैं? मैं सर PPTs बनाती हूँ जो स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड होता है उनको। अच्छा, नोट्स टाइप की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट आपका है? हाँ जी, मतलब हाँ। सबसे मेन डिपार्टमेंट आप ही संभालती हैं? जी वो तो मैम है जो PPTs और नोट्स की जिम्मेदारी इनको दी गई है, और इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक योगेंद्र साहू क्लासेस बनता है, और अपने इतने बेहतरीन स्टाफ और स्टूडेंट्स के प्यार, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ज़रूर उन्हें पसंद आता होगा तभी वो आपके वीडियो शेयर करते हैं और आपको इतना प्यार देते हैं। जी सर, और ये मैम के बारे में बताना चाहूँगा, ये पढ़ाई भी कर रही हैं। लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम पढ़ नहीं पाते, हमें समय नहीं मिलता, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए उदाहरण है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी है और जिन्हें समय भी कम मिलता है। इतने तमाम चीज़ों से जूझने के बावजूद ये मैम सुबह पढ़ाई भी करती हैं। अभी आप क्लास में ऊपर देखे होंगे तो ये पढ़ भी रही थी। ये सुबह इनका टाइमिंग पढ़ने का रहता है, जस्ट उसके बाद काम करती हैं, काम करने के बाद 9 बजे इनका घर जाना होता है, फिर घर जाके घर में खाना बनाना सारी चीज़ें यही हैंडल करती हैं। साहू क्लासेस में लगता है सारे स्टूडेंट ही हैं जो टीचर और फैकल्टीज। जी 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 बिल्कुल। ये थे हमारे साथ योगेंद्र साहू सर। पहली बार मेरे को, मुझे पर्सनली एक ऐसा टीचर, वैसे रैंक होल्डर टीचर्स बहुत सारे रहते हैं, मगर मैं ये सुन के आश्चर्यचकित होगा कि आज भी ये एग्ज़ाम में परस्यू करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न समझने के लिए, और क्लियर तो आज भी सारे एग्ज़ाम हो ही जाते हैं। तो सरकारी नौकरी छोड़ कर आए हैं, यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मेन फोकस है, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अगर आपके जहन में कहीं भी सरकारी नौकरी, CGPSC या भी आप SSC, ऐसे कई भी सरकारी नौकरी का जहन में जिक्र हो या करने की कोशिश हो, तो एक बार इनके फोन कॉल करके ही इनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि सर हम आगे क्या करें, ये जरूर आपको हेल्प कर देंगे। क्यों सर? जी बिल्कुल सर। तो बने रहिए हमारे साथ, ब्राइटनेस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापन टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापन टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापन के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए।